महंगे होने के मामले में मुंबई का विश्व में 24वां स्थान रहा है। महंगे घरों की कीमत वृद्धि यानी महंगे घर। महंगे होने के मामले में मुंबई का विश्व में 24वां स्थान रहा है। इसके लिए दुनिया में 41 शहरों में सर्वेक्षण किया गया। इसमें मार्च 2017 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान मुंबई में महंगे घरों लग्जरी हाउस की कीमत में 1.1% वृद्धि देखी गई। नोएडा प्राधिकरण ने 7 लाख रुपए तक की जमीन की संपत्ति को मुक्त कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी के शुरुआती दिनों में गैर कानूनी लोगों के खिलाफ अतिक्रमण विध्वंस अभियान ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र 150 में स्थित 34 वर्ग मीटर वाणिज्य भूमि को चौड़ा कर दिया है। गुरुग्राम सिविक बॉय बिल्डरों को खत्म करने या लाइसेंस खोने की चेतावनी देता है। MGC ने मंगलवार को DLF, अंसल, यूनिटेक, RD, सनसिटी जैसे कई निजी उपनिवेशकों से मुलाकात की, जो कि उनके उपनिवेशकों के अधिग्रहण के संबंध में थे। दिन भर के सत्र में प्रस्तावित अधिग्रहण के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। लालू यादव ने 1000 करोड़ रुपए के बेनामी जमीन सौदे में IT छापे। आयकर विभाग ने करीब 22 परिसरों में खोजो और सर्वेक्षण किए, जो सेल कंपनी को चलाने के लिए कहा गया था, जिन्होंने कथित तौर पर राजद प्रमुख लालू यादव के रिश्तेदारों की ओर से संदिग्ध लेन देन किया था। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रॉपर्टी डीलर्स पर कसेगा शिकंजा। काले और सफ़ेद में प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री करने में माहिर डीलरों पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसेगा। सरकार ने प्रॉपर्टी डीलरों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के दायरे में लाने का फैसला लिया है।